जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न आपके कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रीजनिंग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। और तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है और वैकेंसी बार बार नहीं आती है, एक ही बार आती है। अभी चुनाव के टाइम पे आइए तो फायदा इसका ले लीजिए। अगला इसका देख सकते हो आप, एग्जाम डेट 9 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कॉन्स्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूँ, क्योंकि जो अपने न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक का इसमें मैथ और 25 अंक का इसमें रीजनिंग, और इसमें 10 अंक आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा। और जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रंग राजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी यह प्रश्न में पूछा गया है। तो आपका 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, कौन सा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आप जितना चाहो यहाँ वहाँ त्योहार के चक्कर छोड़ो, यहाँ वहाँ जाना छोड़ दो, आपका जो टाइम बचा है उसको अच्छे से इस्तेमाल करो। मैं खुद देखा आपका लाइब्रेरी में जो कैंडिडेट हैं वो आपका 12 एक एक दो बजे तक पढ़ रहे हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है और जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये मत समझना कि जीके जीएस का कुछ नहीं होने वाला, जीके जीएस सबसे ज़्यादा अंक की पूछी जा रही है, तो जीके जीएस अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागालैंड के आयो लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व समुदाय घनिष्ठता दर्शाता है। तो कौन सा ऐसा पर्व है, वो है आपका मो आसू, कौन सा मो आसू पर्व, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें मुझे अधिकतर जो प्रश्न देखने को मिले हैं वो आपके 10 अंक के तो मिनिमम आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं। इसके अलावा आपका स्टेट जी के हो गया, जैसे आपके मंदिर हो गए, मकबरे हो गए, और आपका शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, जनजाति हो गई, और आपकी सहायक नदियाँ, यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, तो यहाँ को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपके करंट अफेयर्स में जो महानिदेशक हो गए, ठीक है ना, अध्यक्ष हो गए, यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं, या कोई महत्वपूर्ण घटना हो गई या कोई पुरस्कार आपको दिया गया है तो वो प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है। तो कौन सा है शब्द, वो है आपका महापाषाण काल। महापाषाण काल में बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकें पाई गई हैं। तो ऑप्शन 1 आपका महापाषाण काल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। तो किसने संभाला था 1946 के टाइम का बताना है, तो वो आपका लियाकत अली खान ने संभाला था। किसने, लियाकत अली खान ने। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो मतलब आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई आपका एक गलत है, वो आपको बताना है। तो आपके मिलान है, सही मिलान देखिए, जो आप देखेंगे जूनागढ़ का किला कर्नाटक, ये आपका बिल्कुल युक्त युग्म गलत है, मतलब आपका ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि आपका ये जूनागढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। जूनागढ़ का किला राजस्थान में है, ठीक है। तो आपका इसमें दिया कर्नाटक में, तो इसलिए आपका ऑप्शन टू सही होगा, ठीक है। रायगढ़ का किला आपको सभी को पता है, जो शिवाजी के महाराज, इन्हीं का राज अभिषेक आपका रायगढ़ किले में किया गया था, तो आपका महाराष्ट्र में। अगला देखिए, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपकी बेगम अख्तर हैं उनका जो नाम मुख्य रूप से ठुमरी से संबंधित है, किससे? ठुमरी से। तो ऑप्शन टू आपका बिल्कुल सही होगा, ठुमरी। अगले प्रश्न देखिए, एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आपको सभी को पता होगा एस जयशंकर कौन है। तो एस जयशंकर अपने विदेश मंत्री हैं, अभी वर्तमान में एस जयशंकर ही विदेश मंत्री हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके अजीत डोभाल जी हैं, जो कि आपके IPS अधिकारी हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है एस जयशंकर जी ने, उस पुस्तक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है ना। ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स आपको जो पढ़नी है वो आपका जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 की पढ़नी है। खासकर जो आपका इजराइल का युद्ध हो रहा है ये भी पढ़ लीजिएगा, चंद्रयान ये भी पढ़ लीजिएगा, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ वो भी पढ़ लेना, और आपका G20 सम्मेलन कब हुआ, इसकी थीम क्या थी, ये भी पढ़ लेना। इसके अलावा जो आपके वर्तमान में अध्यक्ष और महानिदेशक हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न को पढ़ेंगे, डैश पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है। तो इसमें बताइए आपका पश्चिमी उड़ीसा का कौन सा ऐसा आपका पर्व है या त्यौहार है जिसमें आपका खाद्यान्न की पूजा की जाती है। खाद्यान्न मतलब खाने की चीज़ें, जैसे गेहूँ हो गया, ये आपकी खाद्यान्न फसल कहलाती है। तो कौन सा है? वो है आपका नुआखाई। कौन सा? नुआखाई, ठीक है। ऑप्शन टू आपका बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि जो नुआखाई आपका पर्व किस राज्य से संबंधित रखता है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य का है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है, तो जो आपका पश्चिम उड़ीसा का एक पर्व है जिसे खाद्यान्न की पूजा की जाती है, तो वो है आपका कौन सा? नुआखाई, ठीक है। ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो कौन सी पार्टी है? वो है आपकी आम आदमी पार्टी। कौन सी? आम आदमी पार्टी। आप लोगों ने नाम सुना हुआ, जिसका आप भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका जो चिन्ह है वो आपका झाड़ू है, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो प्रश्न देख के परेशान हो जाता हूँ, ये प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फिर भी करते हैं दोस्तों। ताज ट्रेपेजियम जॉन ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। तो कितने किलोमीटर स्क्वायर का है? ये आपका 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो किलोमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। तो मैं पहले बोला कि आपके जो प्रश्न है वो अच्छे तगड़े पूछ जा रहे हैं, आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। कैंडिडेट ने देखो कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो यार कहाँ से कोई देगा, आप खुद पढ़ो इसको, कहाँ से प्रश्न पूछ ले, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अच्छी तैयारी करना पड़ेगा, देखते जाइए। इसी तो कहता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करिए। लेकिन कैंडिडेट क्या होता है कि थोड़ा देखेंगे बस चला जाएगा, उसे लगता है भाई सब बन जाएगा, जब वहाँ जाएंगे तो फिर ऐसी समझ में नहीं आता कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो कौन सी सूची है? वो है आपकी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डैश आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। तो कब? मासिक आधार पर। कब की जाती है? मासिक, यानी महीने के आधार पर, ठीक है, हर महीने की जाती है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो कौन है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके लिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो आपका रुपए जो आपके चलाए गए थे चांदी के सिक्के, वो किसने चलवाए थे? तो वो आपका शेरशाह सूरी ने चलवाए थे। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस। कौन सी? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका जैव आवर्धन। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं जो आपका केशवानंद भारती का केस था 1973 वाला, वो आपका प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, वर्ष 2007 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? 2020 का पूछा है, तो वो आपका मनिका वन्ना। किसको? मनिका वन्ना को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो आपका पाइक विद्रोह था उसका नेतृत्व बक्सी जगबंधु विद्याधर, किसने? बक्सी जगबंधु विद्याधर ने किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है आपकी वास्तविक नहीं है। कैसी? वास्तविक नहीं है। तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है? वो है आपकी रामचरितम। कौन? रामचरितम। ये आपका भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी आपकी तीन जो ये पुस्तकें हैं ये आपका भवभूति द्वारा लिखी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका कर्नाटक में भद्रावती स्थान है वो आपका लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या? लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो जो आपका 1893 में गणपति उत्सव आरंभ किया गया, शुरू किया, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो कौन से आर्टिकल के अंदर? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 9 डिग्री चैनल। क्या? 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो आपका 9 डिग्री चैनल है इसका संबंध लक्षद्वीप से। किससे? लक्षद्वीप से। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको बता रहा है। तो आपका ऑप्शन वन दक्षिण अफ्रीकी ओपन, ये आपका ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है वो है आपका कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कैप कॉमोरिन कहा जाता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है श्वसन तंत्र का उपचार? तो आपका फुसफुसी रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, फुसफुस वही तो आपका जो आपके ये फेफड़े लगे हुए हैं फुसफुसी रोग विशेषक, ठीक है ना, उसी में आप सांस ले तो वही आपका श्वसन तंत्र है। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? तो
कौन है आपकी, वो है आपकी उषा पाठी। उषा पाठी ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2019 का डैनी के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया, तो ये प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा, प्रियंका चोपड़ा को प्रदान किया गया। अगला है, चक्का फेंक खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है, तो कितना होता है, तो ये 1 किलोग्राम होता है, कितना, 1 किलोग्राम, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किसी देश का डैश प्रायः 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण होता है, तो क्या, भुगतान शेष, किसी देश का भुगतान शेष, ठीक है ना, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, किस पर 2019 में कहाँ हुआ था, ब्रासिलिया में हुआ था, कहाँ पर, ब्रासिलिया में, तो ऑप्शन टू आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है, तो कौन सी, वो है आपका रॉलेट एक्ट पारित होना, कौन सी, रॉलेट एक्ट पारित होना आपका 1919 में हुआ था, ठीक है, स्वराज पार्टी गठन आपका 1923 में हुआ था, जिसका आपका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है, तो क्या है, जर्मेनियम, क्या, जर्मेनियम आपका एक अर्धचालक है, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों में सक्षम बनाने, समय तक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में देश को सुदृढ़ बनाने के विषय पर आधारित है, तो क्या, विश्वास को सुदृढ़, किसको, विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के विषय पर आधारित है, तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर देश में हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस, कब हस्ताक्षर किए गए थे, आपका 1998 में हस्ताक्षर या सिग्नेचर किए गए थे, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है, तो कौन सी नदी है, वो है आपकी बेतवा, बेतवा का जो आपका उद्गम स्थल है वो आपका विंध्य पर्वत श्रेणी है। अगला देखिए, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना देश में की गई थी, कब की गई थी, की स्थापना दिल्ली में की गई थी, कब, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी, तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 के मूल वर्ग में देश में जारी किए गए थे, कब जारी किए गए थे, 2, 5, 10 और 100 के मूल वर्ग के नोट, ये आपका 1950 में, कब, 1950 में, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा, वो है आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये आपको जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अगला देखो, सांची के स्तूप की खोज 1818 में द्वारा की गई थी, तो जो आपका सांची का स्तूप है, इसकी जो खोज की गई थी 1818 में सर हेनरी टेलर ने की थी, किसने, सर हेनरी टेलर ने, ठीक है, और सांची का स्तूप आपका अशोक ने बनवाया था, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो कौन सा, वो है आपका डलहौजी, कौन सा, डलहौजी, धौलाधार पर्वत श्रेणी आपका जो स्थल है, ये आपका डलहौजी में स्थित है। अगला देखो, भारत की संविधान सभा डैश में गठित की गई थी, तो जो आपकी भारत की संविधान सभा है, ये आपका 1946 में गठित की गई थी, भारत की संविधान सभा 1946 में गठित की गई थी। अगला देखो, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपका ग्यासुद्दीन तुगलक, क्या, ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा, तो ऑप्शन फोर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है, तो कौन सा आपका इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री आपका सिटी है जो का आपका राजस्थान में स्थित है, तो आपका जो ब्यावर है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस देश को समर्पित किया जाता है, तो जो आपका एकता दिवस है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया जाता है, उनकी याद में मनाया जाता है। अगला देखो,
निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो किस गुफा में? हाथी गुफा में। तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में PPF में द्वितीय पी उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? यह आपका पी जो आपका द्वितीय पी है उसका मतलब क्या है? तो द्वितीय पी का मतलब है प्रोविडेंट। क्या? प्रोविडेंट। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देखो प्रश्न, करंट अफेयर्स से, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? तो कौन सी फसल के लिए? अलसी की फसल के लिए। ऑप्शन फोर बिल्कुल सही। अगला देखो, डैश का संबंध फुटबॉल से है। तो किसका संबंध आपका फुटबॉल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। तो ऑप्शन जो आपका फोर है बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल पूछे गए 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा और तैयारी आपकी अच्छी से करिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।